स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग की पहली क्लास डेमो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि रीजनिंग की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक रीजनिंग के बारे में जानेंगे कि रीजनिंग होती क्या है। एक्चुअली में रीजनिंग का मतलब क्या है, आप ये बताइए सबसे पहले कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि रीजनिंग का मतलब क्या है। रीजनिंग मीन्स रीजन। रीजन का मतलब क्या है, कारण, कि इसका कारण क्या है। जैसे रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। रीजन मतलब कारण, कि इसका कारण क्या है। कि रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर आपको मिलेगा। बस आपको ये सोचना है कि इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, कि इसके पीछे क्या लॉजिक है जिससे कि इसका आंसर यह है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपको दिया हुआ है 2+2=4 एंड 3+3=9, देन 4+4 क्या होगा। तो जैसे 2+2=4, 3+3=9 और 4+4=2 क्या होगा। तो यहां पर जो है हमारा, जैसे 2+2 और 3+3, 2+2 तो 4 होता है लेकिन 3+3 जो है वो 9 नहीं होता, 3+3। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है कि 2 × 2 यानी कि 4, 3 × 3 मीन्स 9, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, 4 × 4 = 16। जैसे कि ये जो साइन है ये मैथमेटिकल में आपको काम आएंगे, लेकिन रीजनिंग में क्या है कि यहां पर इन साइन का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2+2 का मतलब 4 है, अब वो प्लस करके भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, लेकिन 3+3 करके आपका 9 नहीं आता, लेकिन 3 × 3 करके 9 आता है। तो ये जो प्लस वाला जो साइन है इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 4 × 4 = 16। तो ऐसे ही हमें रीजनिंग के बारे में थोड़े से और क्वेश्चन जानेंगे कि रीजनिंग है क्या। तो सबसे पहले मैं, आज सिर्फ हमारी डेमो क्लासेज है तो इसमें हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिसको एक चैप्टर हम बोल सकते हैं, जैसे मिसलेनियस या फिर हिंदी में कहेंगे तो विविध। तो मिसलेनियस जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें रीजनिंग समझ में आ जाए कि रीजनिंग होती क्या है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना और उसको दोबारा रिपीट करके मत सुनना, सिर्फ एक ही बार सुनना और सुन के उसका आंसर आपको देना है। और ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले कहा है कि रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग का मतलब क्या है कि उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा होगा, बस आपको उसका आंसर ढूंढ के निकालना है। तो क्वेश्चन ये है कि जयपुर जो है, जैसे जयपुर, जैसे हम बात करते हैं अगर दिल्ली, जैसे हमारा दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसके चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। और जयपुर का जो एयरपोर्ट है, अगर अभी की बात नहीं है, बहुत टाइम पहले की बात है, कि जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पहाड़ से घिरा हुआ है। आपको पता ही है राजस्थान में, जयपुर में कितने पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो एयरपोर्ट जो है वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पहाड़ से घिरा हुआ है। और ये अभी की बात नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है। अगर बहुत टाइम पहले जब कोई प्लेन लैंड करवाते थे इसमें, तो क्या होता था कि रात के समय जब अंधेरा होता था, ऊपर कुछ नजर नहीं आता था, तो पहाड़ की जो चोटियां हैं वो निकली होती थी, तो उससे प्लेन क्या होता था, टकराता था और क्रैश हो जाता था। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। तो वहां की गवर्नमेंट परेशान होगी, परेशान होकर उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि ये जो पहाड़ है इसके चारों तरफ उन्होंने रेड लाइट लगा दी। इसके चारों तरफ क्या लगा दी, रेड लाइट लगा दी। और ये रेड लाइट लगा दी ताकि जब प्लेन आए तो उसको दिखाई दे, उसी हिसाब से वो अपनी हाइट लेके फिर उसको लैंड करवाए ताकि क्रैश ना हो पाए। लेकिन ये जो रेड लाइट लगवाई थी, इस रेड लाइट के अंदर एक छोटी सी खराबी रह गई। खराबी ये थी कि वो रेड लाइट कभी बुझती थी कभी बंद होती थी, कभी बुझती थी कभी बंद होती थी। तो ये रेड लाइट लगाने के बाद भी प्लेन क्रैश होते थे, क्यों? तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके इसका आंसर सोचिए क्या होगा। रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को दोबारा मत सुनना जब तक आपको आंसर ना मिले। आप खुद सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है, जो टाइम आप लेना चाहो वो टाइम लेके आप इसका आंसर निकालिए। देखिए, आप सबने आंसर सोचा होगा। अब यहां पर आप क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, दोबारा सुन लेना। आप एक चीज बताइए कि मैंने क्वेश्चन में बोला था कि ये जो रेड लाइट यहां पर लगाई थी, इस रेड लाइट के अंदर एक छोटी सी खराबी थी। वो खराबी क्या थी, मैंने कहा था कि वो रेड लाइट कभी बुझती थी कभी बंद होती थी, कभी बुझती थी कभी बंद होती थी। यानी कि बुझना और बंद होना मतलब एक ही बात है ना,
कि भुजना और बंद होना, यानी कि वो लाइट क्या थी, बंद ही थी, तो ये लाइट जो है ये जलती ही नहीं थी, तो इसको लगाने का कोई फायदा हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसको लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ तो इसका मतलब जिस भी रीजन से पहले प्लेन क्रैश होते थे सेम उसी रीजन से अब भी क्रैश हो रहे होंगे। तो ऐसा, बट ऐसा कभी जयपुर में हुआ नहीं, ना ऐसा कुछ था। सर मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा बोला गया। अब ऐसे ही कुछ दो चार क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि हम सोच सके कि रीजनिंग में किस किस टाइप से सोच। अगला एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको पेपर में कई बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, लेकिन अभी हम रीजनिंग कर रहे हैं तो उसको रीजनिंग के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जब मैथ्स करेंगे तो मैथ्स के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपने सबने देखा होगा कि एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको कि 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा सकते हैं, 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे। ये मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको टाइम उसमें मैथ्स में भी मिलेगा, लेकिन अभी हम रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग के हिसाब से सोचना है। जैसे कि 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें सोचना है। जैसे हमें बोला गया कि 12 बंदर हैं 12 केले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदर के हिस्से में एक ही केला आएगा, और वो उस एक केले को खाने में कितने दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा। सेम वैसे दूसरे बंदर के हिस्से में दूसरा केला आया, तो उसने भी उस दूसरे केले को खाने में कितने दिन लगाई, 12 दिन। सेम ऐसे तीसरे बंदर के हिस्से में तीसरा केला है, तो उस तीसरे केले को खाने में कितने दिन लगाएगा, वो भी 12 दिन लगाएगा। तो ऐसे ही हर बंदर के हिस्से में एक एक केला आ रहा है, और वो उस एक केले को खाने में कितने दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है। तो सेम वैसे ही चार बंदरों के हिस्से में चार ही केले आएंगे, तो चार केले को खाने में कितने दिन लगाएंगे, 12 दिन लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। या फिर अगर हम ऐसा भी देखा जाए कि 12 केले हैं और 12 ही दिन है, यानी कि 12 केले 12 दिन में खाए जा रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में एक केला खाया जा रहा है, और तो एक केला जो है ऐसा तो नहीं है कि एक केला एक बंदर खाया और वो चला गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर है कि आपको एक केला जो है वो 12 बंदरों में डिवाइड करना है एक दिन के लिए, तो एक बंदर के हिस्से में एक केले का 12वां हिस्सा आएगा। सेम ऐसे अगले दिन फिर 12वां हिस्सा, ऐसे करते करते आपको 12 दिन में टोटल कितने केले मिलेंगे, एक बंदर को सिर्फ एक ही केला मिल पाएगा, और वो उस एक केले को खाने में 12 दिन लगाएगा। तो चार बंदर को चार केले मिलेंगे, तो चार केले को खाने में कितने दिन लगाएगा, 12 बंदर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम से हटके है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए एक कमरा है वो चारों तरफ से बंद है, आप बाहर से उसमें कुछ भी नहीं देख सकते, सिर्फ एक गेट है वो भी क्लोज है, जब आप उसके अंदर जाओगे तभी वो गेट खुलेगा, और इस कमरे के अंदर तीन बल्ब लगे हुए हैं। कितने बल्ब लगे हुए हैं, तीन बल्ब लगे हुए हैं, और इन तीनों बल्बों के जो स्विच हैं वो रूम से बाहर हैं। ये नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं कि पहले का पहला स्विच हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट नंबर लिखे हुए हैं। ये तीन बल्ब हैं और इन तीनों बल्बों के स्विच जो हैं वो कमरे से बाहर हैं। अब आपको, आप इस कमरे के अंदर सिर्फ एक बार अंदर जा सकते हैं, सिर्फ एक बार एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप वापस बाहर आना चाहो तो आप आ सकते हो, और अगर आपको नहीं आना है तो आप नहीं आइएगा। लेकिन इस कमरे में सिर्फ कितनी बार जा सकते हैं, एक बार, और एक बार जाने के बाद ही आपको बताना है कि इसमें से पर्टिकुलर कौन सा वाला स्विच कौन से बल्ब का है, कौन सा वाला स्विच कौन से बल्ब का है, और कौन सा वाला स्विच कौन से बल्ब का है। तीन स्विच हैं, तीन बल्ब हैं, और इस रूम के अंदर आप सिर्फ एक बार जा सकते हो, बाहर से इसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहीं आप सोचो कि बाहर कोई खिड़की है तो उसमें से देख सकते हैं, और कोई आपके पास यहाँ हेल्प करने वाला भी नहीं है कि किसी की आप हेल्प लेके कर सकते हो। और एक बार अंदर जाके आपको इसको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला स्विच कौन से बल्ब का है। तो पहले आप सॉल्व कीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबने आंसर निकाल ही लिया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ, मैं यहाँ पर एक स्विच ऑन करता हूँ, पहला वाला स्विच ऑन किया, तो इनमें से कोई एक बल्ब जला होगा, कौन सा जला वो मेरे को नहीं मालूम। मान लीजिए सपोज करते हैं ये वाला बल्ब जल गया है, सेकंड वाला, तो यानी कि फर्स्ट वाला स्विच जो है वो कौन से बल्ब का है, सेकंड वाले का। लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है क्योंकि अभी हम बाहर हैं। हमने बाहर इसके चारों तरफ देखा कि हम देख सकें, कि हमें पता लग जाए कि कौन सा बल्ब जला हुआ है, लेकिन जैसा कि हमें कंडीशन दी हुई थी बाहर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो हम नहीं देख सकते। तो ऐसे हमने 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपने खराब किए और हमें नहीं पता लग पाया कि कौन सा वाला स्विच
कौन से बल्ब का है। उसके बाद हमने इस स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया और हमने सेकंड वाला स्विच ऑन किया। अगर हम सेकंड वाला स्विच ऑन कर रहे हैं तो कोई दूसरा बल्ब जला होगा। अब मान लीजिए जब हमने ये बल्ब जला है, स्विच ऑन किया है, तो मान लीजिए ये वाला बल्ब जल रहा है, फर्स्ट वाला। तो अब हम रूम के अंदर जाएंगे और हमने देखा कि जो बल्ब इसमें जल रहा है, अभी जो बल्ब जल रहा है उसका स्विच कौन सा है, जो अभी हम ऑन करके आए हैं। बाकी दोनों बल्ब क्या हैं, बंद होंगे। लेकिन इन दोनों बल्ब में से एक बल्ब थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि हमने यहां पर 4 से 5 मिनट हमारे वेस्ट करे थे कि वो कितनी देर जला के हमने कोशिश करी थी, ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला था। लेकिन अब इन दोनों बल्ब को अगर हम छू के देखते हैं तो इसमें से एक बल्ब गर्म होगा। जो बल्ब गर्म है उसका स्विच कौन सा होगा, फर्स्ट वाला जो हमने फर्स्ट में ऑन किया था, और जो बल्ब ठंडा है उसका स्विच कौन सा है, थर्ड वाला। तो इसी के साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक स्कूटर है, और एक स्कूटर में कितने टायर होते हैं, 2 टायर होते हैं, लेकिन स्कूटर में एक स्टेपनी भी होती है ताकि हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। एक स्कूटर है, उस स्कूटर में कितने टायर हैं, 3 टायर हैं, 2 टायर हैं और एक स्टेपनी है जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। और ये तीनों के तीनों बिल्कुल नए टायर हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर हैं। और इन तीनों टायरों की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है, कि ये टायर जो आपका 50 किलोमीटर चल सकता है उसके आगे 1 मीटर भी नहीं चलेगा, 50 किलोमीटर जाएगा और ये टायर फट जाएगा। तो आपको बताना है कि इन तीनों टायरों की मदद से आप इस स्कूटर से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकते हो, आपको मैक्सिमम बताना है, मिनिमम नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन है आपके 50, 75, 100 एंड 150। अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप एक बार पहले ट्राई कीजिए, उसके आगे मैं अब इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको मैक्सिमम बताना है, मिनिमम नहीं। ये नहीं कि मिनिमम बता दिए कि 50 किलोमीटर गए, क्योंकि आप जब इस स्कूटर से जाएंगे तो 50 किलोमीटर मान लो आप जाते हैं, तो 50 किलोमीटर जाएंगे तो दोनों टायर क्या होंगे, ये दोनों के दोनों टायर फट जाएंगे, और उसके आगे फिर आप एक टायर से तो अब हम जा नहीं सकते, कि ये है कि एक टायर से हम और आगे जा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये 50 जो है ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये 50 किलोमीटर जो आएगा ये आपका आंसर आएगा मिनिमम, कि आप मिनिमम कितना जा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, आप बस सीधे सीधे स्कूटर से गए, दोनों टायर खत्म हो गए, उसके आगे आप नहीं चल सकते। बट हमें यहां मैक्सिमम बताना कि हम मैक्सिमम कितनी दूर जा सकते हैं, ताकि हमें यहां पर थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा कि हम कैसे करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहुंच सके। तो वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको भी कि कैसे जा सकते हैं। कि मान लीजिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से चलना, और सबसे पहले हम यहां पर गए 25 किलोमीटर, कितना गए 25 किलोमीटर। तो उसके बाद हम इसमें से एक टायर को एक्सचेंज तो कर सकते हैं, ये वाला टायर हमने यहां लगा दिया, जो स्टेपनी थी उसको हमने यूज किया। उसके बाद फिर से हम 25 किलोमीटर चलते हैं, अगले 25 किलोमीटर जब जाएंगे तो ये वाला टायर जो हमारा, इसके पूरे 50 किलोमीटर हो चुके, तो यानी कि ये टायर क्या हो गया, अब हमारा फट चुका है, तो ये टायर तो अब नहीं जा सकता। लेकिन ये टायर अभी हमने लगाया था, ये सिर्फ कितना चला हुआ है, 25 किलोमीटर, और ये जो स्टेपनी है ये भी 25 किलोमीटर चली हुई है, तो इसको अब हम दोबारा लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इसको दोबारा जब हम लगाएंगे तो उसके बाद फिर से 25 किलोमीटर जाएंगे, क्योंकि ये भी 25 चला हुआ है, ये भी 25 चला हुआ, तो और 25 किलोमीटर जा सकते हैं। जब अगले 25 किलोमीटर जाएंगे तो ये टायर भी फट जाएगा, और ये जो अभी हमने लगाया था ये भी फट जाएगा, और इसके बाद हमारे पास तीनों टायर में से कुछ भी नहीं बचा। अगर थोड़ा बहुत भी बचता तो फिर हम और कोशिश करते कि थोड़ा और आगे तक जा सकते हैं। तो इन तीनों टायरों की मदद से हम मैक्सिमम कितनी दूर जा सकते हैं, 75 किलोमीटर। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा, इसका आंसर आप खुद निकाल के रखिएगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन भी तभी करूंगा, ताकि अभी हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप एक नदी के किनारे हैं, और वो नदी भी ऐसी है कि जिसमें पानी है, जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी है, आप एक गंगा नदी के किनारे पे हैं, और आपके पास 2 बोतलें हैं, एक बोतल जो है उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर, दूसरी जो बोतल है उसकी कैपेसिटी है 3 लीटर। इन 2 बोतलों के अलावा आपके पास और कोई भी बर्तन नहीं है, और कोई भी आइटम नहीं है कि आप इसको नाप सको या तोल सको या इसको काट सको या कुछ मार्क कर सको, या कोई अलग से कोई बर्तन नहीं है जिसको आप स्टोर कर सको, सिर्फ ये 2 बोतलें हैं। इन दोनों बोतलों की मदद से आपको इस नदी में से 4 लीटर पानी लेके आना है, कितना पानी लेके आना है, 4 लीटर पानी लेके आना है,
और आपको एग्जैक्ट 4 लीटर पानी लेके आना है। पानी बहुत कीमती है, कम आप लाओगे आपका बहुत सारा नुकसान होगा, ज़्यादा आपको कोई लाने नहीं देगा। और आपको एग्जैक्ट 4 लीटर पानी लेके आना है, कैसे लेके आओगे? तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको डालूंगा। अभी मैं आपसे कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है मिसलेनियस का ही है और ये आपको पजल्स के तरीके से सॉल्व करना है। जो चैप्टर आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ब्लड रिलेशन का। तो क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल है, आप नोट कर सकते हो अगर नोट करना हो तो। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि एक रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और SSC में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, नेट में भी आते हैं और इवन UPSC के CSET में भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक परिवार में 5 शादीशुदा जोड़े हैं। एक परिवार में कितने शादीशुदा जोड़े हैं? 5 शादीशुदा जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़े के 4-4 बेटे हैं। प्रत्येक कपल के कितने बेटे हैं? 4-4 बेटे हैं। तो बताएं कि इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, ये आपके ऑप्शंस ये रहे 24, 25, 26 एंड 30। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं तो ध्यान रखना कि कपल्स जो है, जब भी हम पेयर बनाएंगे तो हमेशा एक पेयर, सबसे पहले एक पेयर बनाते हैं। जैसे कि एक पेयर ये हो गया हस्बैंड एंड वाइफ का, ये ऊपर एरो कर रहा हूं इसका मतलब ये मेल है, नीचे एरो कर रहा हूं इसका मतलब ये फीमेल है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले एक जोड़ा बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। ये नहीं कि आप पहले पूरे 5 जोड़े कर दीजिए कि 5 कपल हो गए, तो 5 कपल ही हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। और हर जोड़े के कितने बेटे हैं? 4-4 बेटे। तो इसके भी 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे और इसके भी 4 बेटे, इसके भी 4 बेटे हो जाएंगे। तो टोटल जो है हमारे पास 10 तो ये हो गए, 5 कपल है यानी कि 10 लोग, और यहाँ पर 4, 4, 4, 4, 4 कितना हो गए? 5 और 20। तो 20 बच्चे हो गए, 10 जो कपल थे वो हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 30 लोग। तो इसका जो आंसर है 30 नहीं होगा, क्योंकि ये जो 5 जोड़े हैं, ये 5 जोड़े कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो 5 जोड़े हैं ये भी तो कहीं से आए होंगे। तो सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद इसके, जैसे कि मानते हैं कि ये एक जोड़ा है, इसके कितने बेटे हैं? 4 बेटे। तो ये एक बेटा, ये इसका दूसरा बेटा, ये इसका तीसरा बेटा और ये इसका चौथा बेटा। टोटल कितने बेटे? एक कपल है अभी तक। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 शादीशुदा जोड़े हैं और यहाँ पर हमने एक शादीशुदा जोड़ा लिया है और उसके 4 बेटे लिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास कुल कितने शादीशुदा जोड़े हैं? 5 शादीशुदा जोड़े हैं। अगर हम इन 4 बेटों की भी शादी करवा देते हैं तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक कपल ये हो गया, एक कपल ये हो गया। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास कुल कितने पेयर हैं? 5 कपल हैं। तो 5 कपल हैं और बोला गया कि हर कपल के कितने हैं? 4-4 बेटे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इस कपल के भी कितने बेटे हैं? 4 बेटे। इस कपल के भी 4 बेटे, इस जोड़े के भी 4 बेटे हैं, इस जोड़े के भी 4 बेटे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी थी वो सारी हमारी पूरी हो गई है कि एक परिवार में 5 शादीशुदा जोड़े हैं, तो एक शादीशुदा जोड़ा, 2, 3, 4, 5 और हर जोड़े के 4-4 बेटे हैं। तो पहले जो कपल था उसके 4 बेटे हो गए और हर जोड़े के 4-4 बेटे हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक ये, एक ये, 5। तो 5 का मतलब 10 तो ये हो गए, 5 × 2, 10 और हर जोड़े के 4-4, 4-4 बेटे हैं, तो 16 बेटे हो गए। तो टोटल कितने लोग हो गए? 26। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा? 26। चलिए एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सेम ब्लड रिलेशन का ही है लेकिन वो भी पजल का है। तो आपको कम से कम लोग बताने होते हैं इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक परिवार में, क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं कि एक परिवार में एक परदादा, दो दादा, 3 पिता, 3 बेटे, 2 पोते और 1 परपोता है। एक परिवार में
एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, तीन बेटे, दो पोते और एक परपोता है। तो बताएं इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन सी है, तो ये आपके ऑप्शंस रहे 4, 5, 6, 7 एंड नन ऑफ दिस लास्ट ऑप्शन। पूछ करो, देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जो हमें कंडीशन दिए सिर्फ हमें उसके बारे में सोचना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये भी सोचने लगते हैं कि एक परदादा है तो उसकी परदादी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, तो वो हो सकते हैं में हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक मैं एक ट्री बनाता हूँ, एक पेड़ बना रहा हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमें अगर परदादा बनाना है तो सबसे ऊपर जो जनरेशन होगी वो किसकी हो जाएगी, परदादा की। तो हम मान लेते हैं ये हमारा ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ये हमारा परदादा हो गया। फिर दादा क्या होगा, उससे एक पीढ़ी नीचे क्या होता है, दादा। उससे एक पीढ़ी और नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिता। और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो वो क्या आएगा, बेटा। जैसे अब ये जो एक चार जनरेशन तक की बनी है, सबसे नीचे सन, फिर फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ये हमें दिया हुआ है। तो इसके बेस पे देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एक परदादा होना चाहिए, तो एक परदादा हमारे पास में। आगे हमें दिया हुआ कि दो दादा, तो देखिए ये जो है इसका दादा है, और ये जो था जो जिसका परदादा था ये उसके पिता का जो है उसका दादा हो जाएगा, तो कुल कितने दादा हो गए, दो दादा हो गए। अब हमें बोला गया कि तीन पिता, तो ये जो व्यक्ति है वो इसका पिता है, ये जो है इसका पिता है, और ये जो व्यक्ति है वो इसका पिता है, तो कुल तीन पिता हो गए। अब तीन बेटे, तो ये जो है इसका बेटा है, ये वाला इसका बेटा है, ये वाला इसका बेटा है, तीन बेटे हो गए। दो पोते, तो ये जो व्यक्ति है सबसे नीचे वाली पीढ़ी का ये इसका पोता है, और ये जो है इससे ऊपर वाला जो है वो इसका पोता हो जाएगा, तो कितने पोते हो गए, दो पोते हो गए और एक परपोता। तो ये जो सबसे लास्ट में है ये सबसे ऊपर वाले का क्या है, परपोता। तो कुल कितने सदस्य हो गए, चार मेंबर। तो स्टूडेंट ये एक छोटी सी डेमो क्लास थी, इसको मैं और भी आगे बढ़ा सकता था लेकिन तो स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी डेमो क्लास मैंने दी है। अब इसको कोशिश करता हूँ कि मेरी पहली ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑफलाइन मैं करवाता हूँ, आप लोगों को पता ही है सभी को। धीरे धीरे करके हम इस वीडियो को और बेहतर बनाते रहेंगे। अगर इसमें कुछ कमी नज़र आती है तो आप हमें प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को हम और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके पास हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक की वीडियो आप तक पहुँचा सके। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और देखते रहिए एपेक्स कोचिंग्स।